सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर डिटरमाइनर्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स से कनेक्टेड एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वेदर यू आर इन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अगर इंग्लिश ग्रामर आपको फेस करनी है तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेज आपको एग्जाम में डेफिनेटली फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। डैश शर्ट्स दैट आई हैड आई गेव टू द बेगर्स, मतलब जो भी शर्ट्स मेरे पास थी मैंने वो बेगर्स को दे दी। तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था लिटिल और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट, कि जहां पर कोई चीज बहुत कम है तो आप, अगर वो काउंटेबल है तो आप फ्यू यूज कर सकते हैं, और वो चीज अनकाउंटेबल है तो आप लिटिल यूज कर सकते हैं। उससे थोड़ी क्वांटिटी अगर बढ़ा देंगे तो ए फ्यू आएगा या फिर अ लिटिल आएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज मेरे पास थी अल्टीमेटली वो सब की सब मैंने खर्च कर दिया, किसी को दे दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। द आंसर इज द फ्यू। ठीक है, चूंकि शर्ट्स हमारी काउंटेबल है तो इसलिए फ्यू जो है वो यूज होगा काउंटेबल के सेंस में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश बसेस आर मोर कंफर्टेबल देन दीज। डैश बसेज आर मोर कंफर्टेबल देन दीज। तो फटाफट रूल लगाइए इसमें कि ये कौन सा डिटरमिनर इसमें भरना है। ठीक है, किस टाइप का डिटरमिनर इसमें आएगा। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो दीज को आप कंपेयर करेंगे, देखो दीज आता है प्लूरल की सेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लूरल को अगर कंपेयर करेंगे तो प्लूरल से कंपेयर करेंगे, और दीज को कंपेयर करेंगे, दीज का ऑपोजिट क्या होता है? दोज। तो आंसर विल बी दोज। नेक्स्ट, सी लाइक्स डैश टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग कॉफी। फटाफट बताओ। टू सेट अ टारगेट कि मुझे ये चीज करना, सो और प्लस एक वर्ब के साथ जो आप लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो साहिल लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डैश पोलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो पोलिटिकल लीडर्स क्योंकि काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, फटाफट हिसाब लगाओ, क्योंकि इनमें से कोई एक काउंटेबल के लिए आता है, कोई एक अनकाउंटेबल के लिए आता है। इससे पहले के सेंटेंस में हम वो देख चुके हैं, यहां पर भी हम देख चुके हैं। तो आई होप कि यू हैव गेस्ट द आंसर। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स आर काउंटेबल, तो यहां पर आ जाएगा ए फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ डैश हेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ, हमें ध्यान रखना चाहिए, डैश हेल्थ अवर या फिर माय, पोजेसिव डिटरमिनर्स हैं। ठीक है, हमें सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मेरी या फिर हमारी, तो वी का जो पोजेसिव बनता है गाइस दैट इज आवर। ठीक है, हाँ अगर यहां पर आई होता तो हम यहां पर क्या भर देते? माय भर देते। वी का पोजेसिव आवर होता है और आई का पोजेसिव माय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डैश अदर्स इज माय प्राइम मोटिव। ठीक है, दूसरों की अब यहां पर हेल्प करना या हेल्प, कौन सा इसमें नॉन फाइनाइट आने वाला है डिसाइड करो फटाफट से। ओके, तो राइट आंसर इज हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, तो हेल्पिंग अदर्स इज माय प्राइम मोटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैन यू डैश दिस, आइडेंटिफाई या फिर आइडेंटिफाइड। ओके, यू हैव गेस्ट। तो देखो जहां जहां पर मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं कुछ टीचर्स को, तो जहां पर मॉडल्स या मोडल्स आते हैं गाइज, वहां पर हमेशा जो बेयर इन्फिनिटी होते हैं, मैंने आपको बताया था ना बेयर इन्फिनिटी, इसमें टू नहीं आता, वही यूज होता है हमेशा। सो यहां पर आ जाएगा आइडेंटिफाई। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। टुडे आई टुक डैश डाइट। डाइट देखो मैनी और मच का ऑप्शन है, तो जब भी मैनी मच का ऑप्शन है, फ्यू द फ्यू या लिटिल का ऑप्शन है, इन सब के जो ऑप्शन होते हैं, तो आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि जिसके बाद आपको वो अपना जो भी आंसर भरना है, सपोज कि यहां पर आपको आंसर भरना है, तो इसके बाद जो वर्ड है, जो भी नाउन है, आपको ये जरूर देखना है कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, तो किस तरह का मैं यहां पर डिटरमाइनर यूज करूंगा। क्योंकि देखो जैसा भी नाउन है उसको डिटरमाइन आप वैसे ही वर्ड से करेंगे। अगर आपके पास एक काउंटेबल नाउन है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक ऐसा डिटरमाइनर यूज करेंगे आप जो काउंटेबल के लिए यूज होता हो, अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल वाला। तो डाइट इज cannot be counted, ठीक है, this is uncountable। तो यहाँ पर आप many का मतलब बहुत सारे जो गिनती में भी आ सकते हैं, और much का मतलब बहुत सारी चीज जिसको आप 1, 2, 3 में count नहीं कर सकते। तो diet जो है वो uncountable है, तो answer is much।
तो आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। ऐसे तमाम सेंटेंसेस आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, नॉट द सेम सेंटेंसेस बट ऑफ द सेम टाइप। तो इसी तरह के सेंटेंसेस आपको दुनिया भर के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।